हमारे यहां बचपन से एक श्लोक सिखाया जाता है और ये श्लोक हम सबने सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। और सोचने वालों की कभी नहीं होती। इस श्लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी है, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद है, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए की रैंप स्कीम हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हो और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो, सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने वाली है।